अस्सलाम वालेकुम जी, मैं आज आपको सिखा रही हूँ फ्रेंच टोस्ट, कोकोनट फ्रेंच टोस्ट ना। इनमें जिन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है बताती हूँ। मैंने चार अंडे लिए, 4 टेबल स्पून कोकोनट लिया है और ड्राई कोकोनट है ये, और ये मेरे 8 टेबल स्पून जो हैं शुगर है। हमें 4-5 टेबल स्पून इसमें मिल्क चाहिए और ये फ्राई करने के लिए घी चाहिए। घी ले लें, ऑयल ले लें, मैं घी में कर रही हूँ। तो आगे बताती हूँ क्या करते हैं। इसको हम बीट करते हैं देखो। अंडे के साथ ही आप इसमें चीनी डाल दें, चीनी को बीट करें। कोकोनट डाल दें, इसको बीट करना है। और इसमें दूध के मैंने आपको कहा है कि 5 टेबल स्पून, 4-5 टेबल स्पून इसमें मिल के जाएंगे। बस 5-6 टेबल स्पून इसमें मिल्क के चले गए। अब इसको हम खूब अच्छी तरीके से बीट करते हैं। बीट करने के बाद इसको फ्राई करना शुरू करते हैं। जिसे मैं दिखाना भूल गई थी आपको, वनीला एसेंस है। ये वनीला एसेंस है, 1 टीस्पून डाल दें वनीला एसेंस। और ब्रेड चाहिए इसके लिए, ये ब्रेड है। ब्रेड मैं आपको दिखाना भूल गई थी, ब्रेड और वनीला एसेंस, ये दो चीज़ें और हैं। आया बनाना शुरू करते हैं। ये रेडी हो गया बिल्कुल, देखें। घी डाल दिया है हमने अपने पैन, फ्राई पैन में, इसमें तवे पे ज़रा सा गर्म हो जाए। ब्रेड तो पहले एक साइड से फ्राई करते हैं, फिर मैं आपको दूसरी साइड से दिखाती हूँ। पहले फ्राई करते हैं, पहले एक साइड से हो जाए। देखें जी, मैंने इसको फोल्ड किया तो ये ऐसा कलर आया है इसका। इसको भी टर्न कर देते हैं। कुरकुरा करना है, अगर आपने इसको क्रिस्पी रखना है तो इसकी आँच हल्की करके और उसको पकाते रहें थोड़ी देर थोड़ी देर। और अगर आपको सॉफ्ट रखना है तो इसमें कोई मसला नहीं है, उसको आप जल्दी जल्दी हो जाएगा वो तो। नॉन स्टिक है तो इसमें ऑयल भी ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। कोशिश ये करेंगे नॉन स्टिक हो तो अच्छा है, ऑयल ही कम आएगा, घी कम लगेगा। घी में पकाएं, ऑयल में पकाएं। इसको 2 मिनट और होने देते हैं पीछे से भी, फिर निकालते हैं। हाँ जी, देखिए मेरे रेडी हैं हमारे फ्रेंच टोस्ट, कोकोनट फ्रेंच टोस्ट। ये देखें कितने सॉफ्ट बने हैं, कितने कुरकुरे हैं, क्रिस्पी हैं। ऐसे ही आप बनाइएगा। और मैंने इसको स्प्रिंकल्स कर दिए, गार्निश कर दिया उससे। तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।